अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हम इसे अवन के बगैर बेक करेंगे। वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप नीम गरम दूध ले लिया है, एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। दूध के अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई चीनी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ईस्ट। ईस्ट आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है। 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा भी शामिल करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज में अंडा रखा है तो उसको आधे घंटे पहले बाहर निकाल लें। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करें और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर बबल्स बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमने ईस्ट डाली थी वो अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 कप मैदा। मैदा आप हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। और ये रेशो आप हमेशा याद रखें, आधा कप दूध के अंदर हमने 2 कप मैदा शामिल करना है। घर का कोई कप भी आप सेट कर लें जो भी चाय पीने के काम आता है। पहले आप लोगों ने 1 चमचे की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सिमट जाए ये। अब मैं क्या करूँगी, मुक्की लगा के इसे गूंदूंगी। और गूंदने के लिए मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पहले ऑयल डाला था, अब 1 टेबलस्पून में इसके अंदर और मज़ीद ऑयल डाल के अच्छे से गूंद लूंगी इसको। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसे मुक्कियाँ लगा के बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है और देखिए कितनी स्मूथ हो चुकी है। अब इसे कवर लगा के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही रहने दें, क्योंकि मौसम अभी गर्म है तो इसलिए ये जल्दी राइस हो जाएगी। तो जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें, 1 टेबल स्पून साबुत धनिए। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 2-3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। फिलिंग आप इसके अंदर चिकन की भी बना सकते हैं, चिकन की फिलिंग भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। बस प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है, फिर उसके बाद हमने ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और फ्लेम को हमने लो ही रखना है, कहीं मसाले जल ना जाएँ। अब हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 अदद आलू हैं। आलू को मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद इसका छिलका उतार लिया है और इसको हाथों की मदद से ही मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। अब बस हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 मुट्ठी के बराबर हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है। आप यहाँ पे गोभी, शिमला मिर्च, मटर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब इस फिलिंग को हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर डो को 2 घंटे हो गए हैं और देखिए डो कितनी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। अब हमने इसकी सारी एयर को बाहर निकाल देना है और इसे एक दफ़ा और अच्छे से गूंद लेना है हल्के हाथों से। डो का मैंने यहाँ पे पेड़ा बना लिया है एक बड़ा सा। अब मैंने इस पेड़े के 6 बराबर के पीसेस कर लेने हैं और ध्यान रहे कि सारे पेड़े अच्छे से कवर करके रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हमें एक पेड़ा उठाएंगे और हल्का सा काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। रोटी को हमने बिल्कुल गोल नहीं बेलना है, रोटी को हमने हल्का सा ओवल शेप में बेलना है। तो देखिए इसको हमने बेल लिया है, अब हमने इसको फोल्ड कर देना है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल, ताकि सेंटर में एक लाइन क्रिएट हो जाए। और अब हमने एक मार्कर का केप लेना है और केप की मदद से हम देखिए जो हमने लाइन क्रिएट की थी उसके नीचे नीचे ही हम एक साइड पे इस तरीके से इसमें होल्स कर देंगे। देखिए लाइन से नीचे नीचे ही रहें, एक साइड पे हमने होल करने हैं और एक साइड पे नहीं करने हैं। अब एक टूथपिक लें, टूथपिक की मदद से सारे पीसेस कट किए हुए निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं ये। अगर आप इसे हाथों की मदद से ऐसे ही निकालेंगे तो शेप ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ से डो को उठाएंगे और डिज़ाइन वाले साइड पर रख देंगे और साइड्स पे हल्के हाथों से प्रेस कर दें और इसे सील कर दें। और अब जो इसके लिए फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। 1 टेबल स्पून के हिसाब से आप रख लें या जितनी आपको पसंद हो उतनी रख लें। मैंने इस फिलिंग के अंदर शिमला मिर्च, गोभी भी शामिल कर दी है। अब देखिए डो का हम एक साइड उठाएंगे और इस तरीके से समोसे की शेप दे लेंगे, देखिए, और नीचे से अच्छे से प्रेस कर दें।
अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरीके से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, देखिए, और नीचे से हल्का सा प्रेस कर दें। अब एक फॉक की मदद से इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हम सारे पीसेस बना लेंगे। रोटी को हमने गोल नहीं बेला था, थोड़ी ओवल शेप में बेला था, तो इसकी शेप बहुत ही अच्छी आई है। अगर हम रोटी को गोल बेल लेंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे सारे बना लिए हैं। आपने इन्हें जिस ट्रे में भी बनाना है साथ साथ ही सेट करते जाएँ। मैंने यहाँ पे इन्हें ओवन ट्रे में सेट कर लिया है। अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे किचन काउंटर पे ही। तो देखिए, यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से राइज हो चुकी है दोबारा से। अब हमने एक अंडे की जर्दी ली है। अंडे की जर्दी हमने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। एक भगोने को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक जाली स्टैंड रखा है। भगोना अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब हमने इस ट्रे को भगोने के अंदर रख देना है। अब हमने इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही रहने देना है। अब फ्लेम को 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त फ्लावर ब्रेड बनके तैयार हुई है हमारी। आप देख सकते हैं कि कलर इस पे देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और वो भी भगोने में कितना ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप कितना अच्छे से कुक हो चुकी है। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कुक हो चुकी है, और इस पे कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और अंदर तक से बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। तो देखा आपने, घर में मौजूद सामान से ही हम कितनी मज़ेदार सी फ्लावर ब्रेड बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत लगी रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बना के अपने गेस्ट या फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो वो भी खाते ही रह जाएंगे और तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे, और पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इन्हें क्रिएट किस तरीके से किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथ उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।